लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर हो रही राजनीति की सियासत और हंगामे का पर्याय लखीमपुर हिंसा मामला हो चुका है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, और छोड़े भी क्यों ना, मौका है, मुद्दा है तो क्यों ना लपक लिया जाए। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लखीमपुर घटनाक्रम चुनावी मुद्दा भी बनने जा रहा है? क्या आने वाले वक्त में जब यूपी का विधानसभा का चुनाव होगा और प्रचार की बात होगी तो क्या इस मुद्दे को जनता के सामने परोसा जाएगा? सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल सकता है, क्योंकि संकेत पहले ही मिल जाते हैं। यूपी के चुनाव करीब हैं और हर बड़ा मुद्दा इन दिनों चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा साबित होता दिख रहा था। इस बीच सरकार और किसानों में सहमति बन गई, किसान घर लौट गए। लेकिन किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी का घटनाक्रम आज भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। खबरें ये हैं कि SIT के खुलासे में लखीमपुर हत्याकांड को सोची समझी साजिश बताया गया। ऐसे में विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। संसद के दोनों सत्रों में विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न में बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न। अरे बोलने को दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने को दीजिए, आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, आप विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उसको समय दूंगा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न में पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नौ ये क्रिमिनल है और इसको क्यूसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से लेकर मोदी सरकार पर भी गंभीर आरोप जड़े, तो केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बचाव करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। देश के गृह राज्य मंत्री, कोई आम व्यक्ति नहीं, अजय मिश्रा टीनी के चहेते पहले किसानों को गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलते हैं और उसके बाद अजय मिश्रा टीनी पत्रकारों पर हमला करते हैं, गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और कैमरे छिनवाते हैं। क्या देश के कानून और संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्ति का ये ड्यूटी, ये कर्तव्य, ये फर्ज बनता है? ये भाजपा की गुंडई की संस्कृति को दिखाता है। प्रधानमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे अजय मिश्रा टीनी पर, जिन्हें आप अपने दाएं हाथ बिठाकर रखते हैं और जिसे आपने देश का गृह राज्य मंत्री बनाया है? ये मिश्रा जी का जो लड़का है, जिन्होंने मतलब वहां का आरोपी है, तो योगी सरकार ने उनको अरेस्ट कर दिया है। उसमें जो जो सम्मिलित है वो सबको अरेस्ट कर दिया है, उसकी पूरी जांच हो रही है। तो जिन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया है उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया कि सरकार ये स्पष्ट करे कि लखीमपुर की साजिश में कौन कौन साजिश करता था। जो SIT की रिपोर्ट आई है उसमें वही है जो हमने शुरू में कही थी बात, कि एक बड़ी साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, पीछे से आके गाड़ी किस तरीके से रौंदा गया किसानों को, देश के नागरिकों को देश ने देखा। अब जब SIT ने करार दिया कि एक साजिश थी, योजनाबद्ध साजिश थी, तो अगला प्रश्न ये उठता है कि उस साजिश में साजिशकर्ता कौन कौन थे। स्वाभाविक रूप से जिनकी गाड़ी थी, एक ऐसा तथ्य है जो अभी तक डिनाई नहीं हुआ, गाड़ी अजय कुमार मिस्टेनी के नाम थी, तो साजिशकर्ता में सबसे पहला सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या वो भी साजिश में शामिल थे कि नहीं शामिल। संसद के साथ साथ यूपी विधानसभा में भी लखीमपुर हिंसा का मामला जमकर गूंजा। जाहिर है यूपी में आने वाले दिनों में चुनाव हैं और लखीमपुर घटना के इर्द गिर्द यूपी की सियासत घूम रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि हम जांच करा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सुई अजय मिश्र के इस्तीफे पर अटकी हुई है। आपको बता दें कि आंदोलन के दौरान किसान भी अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग उठाते हुए लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे।
लेकिन अब जबकि आंदोलन खत्म हो चुका है, ऐसे में लखीमपुर प्रकरण का क्या और कितना असर यूपी चुनाव पर पड़ता है, यूपी के वोटर्स इस मामले को कैसे देखते हैं, निष्पक्ष जांच के अलावा किसे वोट का नफा नुकसान उठाना पड़ता है, ये भी देखना अहम होगा। ज्योति सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।